हेलो गाइस, इन्वेस्टमेंट ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम SBI की एक ऐसी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर अगर आप अपना पैसा छोटा छोटा अमाउंट भी जमा करते हैं तो ये स्कीम आपको ज़बरदस्त आपका फंड रेज करने में हेल्प करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसके अंदर महीने के महीने 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये या उससे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे हम बैंक के अंदर FD कराते हैं, तो FD की तरह ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लमसम यानी वन टाइम, तो वो भी आप कर सकते हैं। मिनिमम 5000 रुपीज़ और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उतना। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है दोस्तों कि ये स्कीम लगभग 22 साल पुरानी स्कीम है, और 22 साल से इसने दोस्तों जो रिटर्न मेंटेन करके रखा है एनुअल बेसिस पर, वो 18% से भी ज़्यादा का रखा है। तो ऑल टाइम रिटर्न इसका 18.04% है, और पिछले 5 साल का अगर हम इस स्कीम का रिटर्न देखें तो वो 11.31% है। पिछले 3 साल का इसका रिटर्न 26.08% है। 1 साल का रिटर्न 35.59% है। 6 महीने का रिटर्न 13.94% है, और पिछले 1 महीने में इसने दोस्तों नेगेटिव -2.19 का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आपका व्यू कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का ही होना चाहिए, क्योंकि 5 साल के पीरियड में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड में चूज़ करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपको दोस्तों मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल जाते हैं, आपको कंपाउंड इफेक्ट का भी असर देखने को मिलता है। ये मैं अभी आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है एक एक साल का। 5 साल की जगह अगर हम 6 साल कर देते हैं अपने टाइम पीरियड को, तो दोस्तों उतना शुरू के 3 साल में हमें रिटर्न नहीं मिलता जितने लास्ट के 1 साल में हमें रिटर्न मिल जाता है। तो सारी बातों को डिस्कस करेंगे। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और लोग भी फाइनेंशियली अवेयर हो सकें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस फंड के बेसिक बता देता हूँ। जैसे इस फंड की एक NAV 251.35 रुपये है। मिनिमम आप इसके अंदर 500 रुपये और मैक्सिमम जितना चाहे आप उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जो इसका फंड साइज़ है वो लगभग 2000 करोड़ के आसपास है। इसके साथ साथ दोस्तों, जो ये अलग अलग कंपनीज़ के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करती हैं, तो मैं वो भी बता देता हूँ। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़, औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा, सिप्ला, डिवीज लेबोरेटरी, ल्यूपिन लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज, मैक्स हेल्थ इंस्टीट्यूट जैसी बड़ी दिग्गज कंपनीज़ के अंदर या फार्मा से जुड़ी हुई सेक्टर की सभी कंपनीज़ के अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। SBI के जो SBI MF है, SBI म्यूचुअल फंड, AMC के अंदर दोस्तों इस स्कीम को चलाया जाता है। अब पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कैलकुलेटर पर जाने से पहले कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के दोस्तों 2 तरीके हैं, या तो आप किसी एजेंट के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कराएं, या आप खुद से ऑनलाइन अपने मोबाइल के थ्रू दोस्तों इन्वेस्ट करें। किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी इसमें नहीं होती है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। आपको अपने मोबाइल से ऐप को इंस्टॉल करना है, नीचे लिंक है ऐप का, फिनिटी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपके फंड से किसी भी तरह का कोई कमीशन नहीं कटेगा। अगर आप किसी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दोस्तों उससे आपका सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि आपको उसके अंदर एजेंट कमीशन देना पड़ता है, और आपका पता भी नहीं चलता कि कब उसमें से दोस्तों एजेंट कमीशन कट के उस पर्सन को चला जाता है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल से KYC डन करें दोस्तों, ऐप को अपने नेट बैंकिंग से कनेक्ट करें, और उसके बाद में आप अपने मोबाइल के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितनी मंथली अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जितना मंथली आप SIP अमाउंट सेट करेंगे, वो ऑटोमेटिक आपके बैंक से कटता रहेगा। और अगर आप एक ही साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक ही साथ इन्वेस्ट ऐसे कर सकते हैं कि अपने बैंक से पहले अपने डीमैट अकाउंट में अपना पैसा जमा करें, उसके बाद में वहाँ से आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप अपने पैसे को दोस्तों उसके अंदर इन्वेस्ट कर दें, 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये, जितना भी आप करना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है दोस्तों, अगर आप खुद से करेंगे तो इसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप खुद से जब चाहें उस फंड से निकल सकते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड के अंदर कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का ही व्यू होना चाहिए, लेकिन अगर आपको बीच में ही निकलना है, तो आप 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में जब चाहें अपने म्यूचुअल फंड से क्विट हो सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ कैलकुलेटर पर, और यहाँ हम देखेंगे
इस फंड ने जो ओवरऑल रिटर्न कमाया है दोस्तों वो कितना है, 18% का। तो हम 18% से भी कम यानी कि 16% पे ही कैलकुलेशन करके देखेंगे कि अगर हम मान लीजिए इस फंड के अंदर 2500 रुपये हर महीना लगाएं, वैसे आप 500 रुपये मिनिमम लगा सकते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये, मैं यहाँ पर 2500 रुपये का एक आइडियल अमाउंट लेकर चल रहा हूँ। अगर आप 2500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और ये फंड आपको 18% भी नहीं 16% का भी रिटर्न अगर दे देता है तो 10 साल में जो टोटल पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो 3 लाख रुपये होगा और जो एस्टिमेटेड रिटर्न उस 3 लाख रुपये पर आपको मिलेंगे वो 4,41,000 रुपये के आसपास होंगे और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 7,41,000 रुपये का मिलेगा जो आपने इन्वेस्ट किया और जो आपका एस्टिमेटेड आपको रिटर्न मिला। अब दोस्तों इस अमाउंट को बढ़ाकर अगर हम 5,000 रुपये कर देते हैं तो 5,000 रुपये महीने के हिसाब से अगले 10 सालों में जो टोटल पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो 6 लाख रुपये होगा, लेकिन जो एस्टिमेटेड रिटर्न आपको मिलेंगे वो 8,82,000 रुपये होगा और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 14,82,000 रुपये के आसपास मिलेगा। 5 साल में दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये हर महीने के हिसाब से 3,60,000 रुपये होगा, लेकिन जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो 2,46,000 रुपये के आसपास होंगे और फाइनल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया और जो आपका पैसा बढ़ा 6,06,000 रुपये के आसपास आपको मिलेगा। अब दोस्तों जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जितना ज़्यादा टाइम के लिए हम इन्वेस्ट करके रखते हैं उतना ही ज़्यादा दोस्तों हमें फंड के अंदर ग्रोथ तेज़ी से होती हुई दिखाई देती है लास्ट के पीरियड में। जैसे यहाँ पर हम देखें तो 6 साल में दोस्तों हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो टोटल किया 3,60,000 रुपये और हमें जो पैसा बढ़कर मिला वो मिला 2,46,000 रुपये। अब मैं दोस्तों इसको सिर्फ एक ही साल कर देता हूँ यानी 6 साल से हम 7 साल कर देते हैं तो अब जो टोटल पैसा हमारा इन्वेस्टेड हुआ दोस्तों जो ऊपर वाली कैलकुलेशन है वो 5 साल की है, एक्चुअली 6 साल की नहीं है। तो अभी हम 6 से 7 साल के बीच का पीरियड देखेंगे कि 7 साल के पीरियड में आपने टोटल पैसा जमा किया 4,20,000 रुपये, लेकिन पहले जो आपको 2,46,000 रुपये मिल रहे थे वो अब दोस्तों आपको 3,56,000 रुपये मिलेंगे, यानी 1,00,000 रुपये का डिफरेंस आ गया। 2,50,000 रुपये बनने में दोस्तों 6 साल का समय लगा लेकिन 1,00,000 रुपये बनने में सिर्फ 1 साल का ही समय लगा। अब मैं अगर इस पीरियड को बढ़ाकर मान लीजिए 10 साल ही कर दूं तो 10 साल में हमने अभी कैलकुलेशन जैसे देखी है 6,00,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 5,000 रुपये हर महीने से और 8,82,000 रुपये दोस्तों आपको बढ़कर मिलेंगे, 14,00,000 रुपये फाइनल आपका अमाउंट हो जाएगा। और इस इन्वेस्टमेंट को अगर हम 15 साल तक कंटिन्यू कर लेते हैं तो 9,00,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट, 28,00,000 रुपये का लगभग हमें रिटर्न और 37,00,000 रुपये हमें फाइनल अमाउंट मिलेगा अगर हम 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 16% रिटर्न के हिसाब से। अब जैसे जैसे आप इस टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे दोस्तों आपको मिलने वाला जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक इसी तरह से आप लमसम भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपये इस स्कीम के अंदर जमा कर दिए और 16% का ही इस स्कीम ने रिटर्न दिया तो आगे आने वाले कितने दिनों में दोस्तों 5 साल में आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1,00,000 रुपये बढ़कर 1,10,000 रुपये का आपको रिटर्न मिलेगा और फाइनल अमाउंट जो आपका हो जाएगा वो 2,10,000 रुपये हो जाएगा। 6-7 साल के अंदर या 10 साल के अंदर अगर हम देखें तो हमारा 1,00,000 रुपये बढ़कर दोस्तों 4,41,000 रुपये हो जाता है। 15 साल में यही हमारा पैसा 1,00,000 रुपये बढ़कर दोस्तों 16% रिटर्न के हिसाब से 9,56,000 रुपये हो जाता है और 20 साल में यही हमारा 1,00,000 रुपये बढ़कर 19,46,000 रुपये हो जाता है। अगर आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये स्कीम आपको 16% का भी रिटर्न दे देती है तो आपका 1,00,000 रुपये बढ़कर दोस्तों 85,00,000 रुपये के आसपास हो जाता है। तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप अपनी ऑनलाइन KYC डन करें, उसके बाद में अपने ऐप से जो नीचे अवेलेबल है डीमैट अकाउंट एक ओपन करना होगा। अब उसके बाद में आपका जो बैंक है वो आपके डीमैट अकाउंट से लिंक हो जाएगा यानी नेट बैंकिंग कनेक्ट हो जाएगी, उसके बाद में आप जितना चाहें उतना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली। तो इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, ऑनलाइन घर बैठे आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। धन्यवाद।